नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल माटी और मैं में। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि आप ऑर्किड को अपने घर में कैसे लगा सकते हैं। जब हम ऑर्किड की बात करते हैं तो हमें लगता है ऑर्किड, ओहो ये तो बहुत ही एग्जॉटिक प्लांट है, पता नहीं हम इसे कैसे लगा पाएंगे कि नहीं। पर इसका बहुत आसान तरीका मैंने ढूंढ निकाला है और कम जगह में मैंने ये मेरे 6-7 ऑर्किड मेरे एक ही स्टिक पे लगे हुए हैं। तो आपको करना क्या है, एक जो मॉस स्टिक मिलती है ना बेलों को चढ़ाने के लिए नर्सरी में, बड़े साइज की एक मॉस स्टिक ली है मैंने, नीचे गमले में पॉट में मिट्टी डाली है और उसके बीच में इसको स्टिक कर दिया, सिंपल। उसके बाद क्या किया है मैंने, ये मॉस होती है स्पेगनम मॉस, जो आपको नर्सरी में आराम से मिल जाएगी। ये स्पेगनम मॉस को नमी में थोड़ा सा पानी में भिगा के अच्छे से निचोड़ के और यहाँ पर ऑर्किड को रख के उसके ऊपर रख के और इसको सुतली से इसको सिक्योर कर दिया है, सुतली से इसको अच्छे से लपेट दिया है। और बस उसके बाद क्या है कि ये धीरे धीरे, ऑर्किड में ना दो तरह की जड़ें होती हैं, एक तो उसकी जड़ वो होती है जो किसी भी चीज़ को, सरफेस को पकड़ती है अपना फैलने के लिए, पकड़ने के लिए, ग्रिप बनाने के लिए, और दूसरी एरियल रूट्स होती हैं। एरियल रूट्स का पर्पस होता है कि वो एयर से अपनी नमी और अपना न्यूट्रिशन लेती हैं। तो अगर आप ऑर्किड का एक सिंपल फंडा है, ऑर्किड की एरियल रूट्स को कभी भी किसी चीज़ किसी भी मीडिया से दबाना नहीं चाहिए, मतलब मिट्टी में नहीं दबाना चाहिए। तो क्योंकि एपिफाइट है, पेड़ों के ऊपर चिपक के चलता है, तो इसकी एरियल रूट्स हमेशा एक्सपोज रहनी चाहिए ताकि वो न्यूट्रिशन और एयर ले सके और पानी ले सके। तो इसलिए सबसे बहुत ही आसान तरीका है, इस पर रख के मॉस स्टिक्स, मॉस लगा के, स्पेगनम मॉस लगा के और उसको सुतली से सिक्योर कर दीजिए। अगर सुतली से सिक्योर करने के बाद भी आपको लग रहा है कि बहुत सिक्योर नहीं है, तो और भी आसान तरीका है, ये जुड़ा पिन है। जुड़ा पिन आराम से हर जगह मिल जाती है, इस जुड़े पिन से आप इसको सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि पीछे भी स्पेगनम मॉस है तो ये जुड़ा पिन से ये पकड़ लेता है, ये सिक्योर हो जाता है। और बस अब आपको क्या करना है, इसको नमी मेंटेन रखनी है। नमी मेंटेन करने का भी बहुत आसान तरीका है, स्पेगनम मॉस जो है वो अपने आप में मॉइस्चर को रिटेन करता है। प्लस जो आपने ये स्टिक ली है, मॉस स्टिक ली है, इसमें अगर आप ऊपर से पानी डालेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, पानी पूरे में चला जाता है और इसकी जड़ों को समझ आ जाता है कि ये यहाँ पर मुझे पानी मिलेगा और वो जड़ें धीरे धीरे इस मॉस स्टिक के अंदर जाके अपना पानी, नमी की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेती हैं। तो बहुत आसान तरीका है ऑर्किड लगाने का, और क्योंकि ये ऑर्किड तो आप ट्रॉपिकल प्लांट है, हमारे देश के क्लाइमेट के हिसाब से बहुत आसानी से लग सकता है, पर अभी उतना पॉपुलर नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों, यहाँ लोगों में यही शक है कि शायद इसे लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। इसको लगाने का एक और तरीका है, बहुत आसान तरीका है, नारियल का जो हम लोग डाब पीते हैं ना, नारियल का पानी, उसको आप ले आइए, उसको दो भाग में आधा आधा भाग कर लीजिए और जो हॉलो पार्ट है उसमें आप ऐसे स्पेगनम मॉस से उसको, ऑर्किड को सिक्योर कर दीजिए, उसकी एरियल रूट्स बाहर रहें, ऐसे करके वो हो जाएगा नारियल के उसमें, और उसको आप किसी बड़े पेड़ से बांध दीजिए, ऐसे करके कोई बड़ा पेड़ हो उसके साथ किसी सुतली से या किसी चीज़ से सिक्योर कर दीजिए, तो इसको बिल्कुल अपना नेचुरल एनवायरनमेंट मिलेगा, जो कि जंगल में इसका तरीका है फैलने का, पेड़ के ऊपर ये पकड़ के बहुत आसानी से चलने लगेगा। बस इसको आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा मॉइस्चर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो आशा है दोस्तों ये छोटा सा ट्रिप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अब आपको लगेगा कि हाँ आप ऑर्किड लगा सकते हैं, तो प्लीज़ इसे ज़रूर लगाइए, क्योंकि ऑर्किड बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। और जब ये कभी, अभी तो ये इसमें से नए नए पत्ते निकल रहे हैं, जब ये फूल आ जाएंगे तब मैं फिर एक बार आपसे वीडियो शेयर करूंगी कि देखिए अब इसमें कितना। और क्योंकि ये गमला खाली था तो ये थोड़ा एस्थेटिक लुक देने के लिए मैंने क्या किया है, नीचे एक गमला खाली लग रहा था, एक खाली गमले में आप एक स्टिक लगा देंगे तो क्या ही लगेगा देखने में, तो मैंने इसमें नीचे थोड़ा सा मनी प्लांट लगा दिया है और इस मनी प्लांट को भी मैं ये जुड़े पिन से इस पर सिक्योर कर दिया है, तो ये ग्रीनरी भी रहेगा और जब ये खिलेगा तो बहुत ही देखने में सुंदर लगेगा। तो दोस्तों आशा है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। तो अगले वीडियो तक के लिए